वन वेलकम टू कैम ऑप्टिमाइज, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल सो इट्स द मंथ ऑफ फेबरअरी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ फेबर सो आई थिंक नाउ द इवेंट ऑल द यूनिवर्सिटीज सो अभी मैं जो इस चैनल में टॉपिक्स पढ़ाऊंगी, वो मेनली सीवीसीएस बी सी फोर्थ सेमिस्टर और सिक्स सेमिस्टर का सिलेबस के ऊपर होगा सो so, क्योंकि आई थिंक कि इवन सेमिस्टर स्टार्ट हो चुका है सब यूनिवर्सिटीज़ में सो so इसलिए मैं सेकेंड सेमिस्टर सी बी सी एस फोर्थ सेमिस्टर सी बी सी एस एंड सिक्स सेमिस्टर सी बी सी एस सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे अभी पढ़ाऊँगी इस चैनल में और बाकी जैम रिलेटेड टॉपिक्स भी आते रहेंगे इस चैनल में जो ऑलरेडी चल रहा है सीरीज़ दैट इज़ रैपिड रिविजन एंड ब्रेन ट्रेन सीरीज सो so, आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ सेकेंड सेमेस्टर का सी बी सी एस सिलेबस का फिजिकल का जो टॉपिक है दैट इज़ थर्मोडिनामिक्स वो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ पहले इस चैनल में सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन ताकि आप लोग को पता चल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ और मुझे भी इनक्रेजमेंट मिले अच्छा नया कॉन्टेंट्स लाने के लिए इस चैनल में मैंने यूट्यूब एनालिटिक्स से ये ऑब्जर्व किया है कि मेरे वीडियोस के व्यूअर्स जो होते हैं वो 85 परसेंट नॉन सब्सक्राइबर्स होते हैं सो इफ़ यू वॉच द वीडियोस ऑफ दिस चैनल और आपको लगता है कि द कॉन्टेंट्स आर यूजफुल फॉर यू सो यू कैन काइंडली सब्सक्राइब द चैनल तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छा नया कंटेंट्स लाने के लिए इस चैनल में और आप लोग को बी एस सी सिलेबस का सब टॉपिक्स रेगुलरली मिलता रहेगा इस चैनल में एंड इन एडिशन टू दैट जैम सिलेबस का प्रिपरेशन भी हो जाएगा थ्रू रैपिड रिविजन सीरीज एंड ब्रेन ट्रेन सीरीज इन दिस चैनल एंड इफ़ यू लाइक द कॉन्टेंट्स ऑफ दिस चैनल मेक श्योर टू शेयर द वीडियोज एमोंग योर फ्रेंड्स एंड सपोर्ट दिस चैनल एंड आई विल मेक श्योर कि इस चैनल का हर एक वीडियोस का हर एक टॉपिक आपके लिए बेनिफिशियल रहे और आपके हर एक प्रिपरेशन के लिए वो यूज़फुल रहे सो सी बी का सेकेंड सेमिस्टर का फिजिकल का टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज़ थर्मोडिनामिक्स एंड दिस थर्मोडिनामिक्स इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल टॉपिक ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री वो हर एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वेटेज रखता है और थार्मोडिनमिक्स अच्छे से समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर ऑल द फिजिकल केमिस्ट्री टॉपिक्स सो हम लोग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड सब कुछ स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे थ्रू द अपकमिंग वीडियोस सो स्टे ट्यून्ड इन दिस चैनल एंड लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड सम बेसिक टर्म्स विच आर यूज इन थार्मोडिनमिक्स सो so, हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले हम लोग को कुछ बेसिक टर्म्स जो हमेशा यूज़ होता रहेगा इन थर्मोडिनामिक्स वो हम लोग डिस्कस करेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म एंड द मोस्ट बेसिक टर्म इज़ कॉल्ड द सिस्टम सो हम लोग हमेशा बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ सिस्टम सिस्टम स्टेट सिस्टम वेरिएबल्स सिस्टम प्रॉपर्टीज तो ये सब कुछ सिस्टम से रिलेटेड होगा सो व्हाट इज़ दिस सिस्टम सो सिस्टम वो है जहाँ पे कोई मैटर हम लोग स्टडी करते हैं और वो मैटर जो है वो यूनिवर्स से सेपरेटेड रहता है बाय ए बाउंड्री सो कोई भी रिएक्शन जब भी हम लोग स्टडी करते हैं जैसे कि मान लीजिए अगर कोई एक पिस्टन है एक सिलेंडर है और एक पिस्टन है और यहाँ पे कोई गैशियस मिक्सचर है सो दिस इज़ कॉल्ड ए सिस्टम हियर वी हैव ए मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड दिस मिक्सचर ऑफ गैसेस इज सेपरेटेड फ्रॉम द यूनिवर्स यूनिवर्स क्या होता है एवरी थिंग सराउंडिंग द सिस्टम इज़ द यूनिवर्स सो यहाँ पे जो गैशियस मिक्सचर है वो एक बाउंड्री यहाँ पे क्रिएट किया गया है बाय दिस सिलेंडर फ्राम द यूनिवर्स ये बाउंड्री सेपरेटेड है फ्रॉम द यूनिवर्स बाई दिस वाल और दिस पिस्टेंस से हम लोग सेपरेट कर रहे हैं इस गेशियस मिक्सचर को फ्राम द सराउंडिंग और द यूनिवर्स सो ये जो है गेशियस मिक्सचर दिस इज़ कॉल्ड ए सिस्टम या फिर हम लोग बोल सकते हैं अगर एक वेसल है और यहाँ पे कोई रिएक्शन हो रहा है देन ये जो रिएक्शन मीडियम है दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम द यूनिवर्स बाय द बाउंड्री ऑफ दिस वेसल सो दिस इज अनदर सिस्टम सो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि कहीं भी अगर हम लोग कोई एक मैटर को स्टडी कर रहे हैं और वो मैटर जो है वो यूनिवर्स से सेपरेटेड है बाय अ बाउंड्री देन डेट इज़ कॉल्ड ए सिस्टम और एक सिस्टम में एक या फिर एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस प्रेजेंट रह सकता है जैसे कि यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि गेशियस मिक्सचर है सो so, गेशियस मिक्सचर में ऑब्वियसली एक से ज़्यादा गैसेस प्रेजेंट होगा यहाँ पे रिएक्शन है रिएक्शन मीडियम ऑब्वियसली रिएक्शन मीडियम में भी बहुत सारा रिएक्टेंट्स होता है तो यहाँ पे सिस्टम में एक सब्सटेंस प्रेजेंट रह सकता है या फिर एक से ज़्यादा भी प्रेजेंट रह सकता है सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिस्टम नाउ यू विल कम ऑन टू सराउंडिंग्स सो सराउंडिंग जो होता है वो सिस्टम के आसपास जो भी है देट इज़ कॉल्ड द सराउंडिंग सो ये जो सराउंडिंग है इसके साथ सिस्टम मैटर और एनर्जी एक्सचेंज कर भी सकता है या फिर नहीं भी कर सकता है मैटर एंड एनर्जी जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग इस वेसल को पकड़ें तो यहाँ पे ये ओपन वेसल है तो ऑब्वियसली अगर हम लोग यहाँ से नीचे से इसको हीट करें तो यहाँ पे वेपर्स क्रिएट होगा और ये वेपर्स एस्केप होके जा सकता है इन द सराउंडिंग्स सो so, यहाँ पे मैटर एक्सचेंज हो सकता है फ्रॉम दिस सिस्टम टू द सराउंडिंग्स और उसके साथ साथ एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकता है क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग हीट करें सब्सटेंस को तो ये हीट बाहर भी फ्लो होगा क्योंकि वो हीट हम लोग रोक नहीं रहे हैं बाहर फ्लो होने से इसलिए हीट जो है वो बाहर भी फ्लो होगा तो यहाँ पे जो है मैटर एंड एनर्जी दोनों ही एक्सचेंज हो सकते हैं विद द सराउंडिंग ठीक है लेकिन अगर हम लोग इस सिलेंडर को पकड़ें तो यहाँ पे ऊपर पिस्टन अटैच है और इसलिए मैटर इससे बाहर नहीं जा सकता ये जो गैशस मिक्सचर है वो बाहर नहीं निकल सकता इस सिस्टम से लेकिन अगर ये जो वॉल ऑफ द सिलेंडर है वो इंसुलेटिंग नहीं रहा तो एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है विद द सराउंडिंग अगर हम लोग इस मिक्सचर को हीट करें तो वो हीट बाहर जा सकता है बाहर फ्लो हो सकता है लेकिन अगर ये वॉल जो है ये वॉल इंसुलेटिंग रहे तो वो एनर्जी बाहर फ्लो नहीं हो पाएगा अगर ये वाल कॉन्डक्टिंग रहे तो हीट फ्लो होगा बाहर अगर ये वाल इंसुलेटिंग रहे तो हीट फ्लो नहीं होगा बाहर सो so, ये एनर्जी जो है वो फ्लो करेगा या आ, फिर नहीं करेगा वो डिपेंड करेगा कि दिस वाल ऑफ द सिलेंडर वो इंसुलेटिंग है या फिर कंडक्टिंग है सो लाइक दिस जो मैटर है ऑफ द सिस्टम वो बाहर एक्सचेंज हो सकता है और एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकता है सो so, जहाँ पे मैटर ऑफ द सिस्टम और एनर्जी ऑफ़ द सिस्टम एक्सचेंज हो सकता है विद द यूनिवर्स दैट इज़ कॉल्ड द सराउंडिंग सो जो भी है सिस्टम के आसपास वाला एरिया दैट इज़ कॉल्ड द सराउंडिंग जैसे कि अगर हम लोग इस पिस्टन वाला सिस्टम का बात करें तो इसके आसपास अगर एयर है देन दिस एयर इज़ कॉल्ड द सराउंडिंग और अगर हम लोग इस रिएक्शन को एक वाटर बाथ में बैठा कर हम लोग रिएक्शन को प्रोसीड करवाएं देन दिस वाटर बाथ इज़ कॉल्ड द सराउंडिंग सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ सराउंडिंग नाउ जो सिस्टम है वो बहुत डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट आइसोलेटेड सिस्टम सो जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है वो एनर्जी एंड मैटर वो एनर्जी एंड मैटर कुछ भी एक्सचेंज नहीं कर पाता विद द सराउंडिंग्स सो जो सिस्टम एनर्जी और मैटर कुछ भी एक्सचेंज नहीं करेगा विद द सराउंडिंग दैट सिस्टम इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिस्टम जैसे कि मान लीजिए थर्मोफ्लास्क सो so, थर्मोफ्लास्क में क्या होता है थर्मोफ्लास्क में हम लोग गर्म पानी प्रिजर्व करके रखते हैं फॉर मेनी आवर्स वहाँ पे क्या होता है क्योंकि ऊपर कैप लगाया हुआ होता है टाइटली तो अंदर गर्म पानी का जो वेपर्स होता है वो बाहर नहीं निकल सकता सो so ऑब्वियसली इसलिए मैटर एक्सचेंज नहीं होता विद द सराउंडिंग उसके साथ साथ गर्म पानी का जो हीट है वो भी बाहर नहीं फ्लो हो सकता है क्योंकि जो वाल्स ऑफ द थर्मोफ्लास्क रहता है वो इंसुलेटिंग रहता है सो so, इसलिए हीट भी फ्लो नहीं हो सकता विद द सराउंडिंग दैट इज़ एनर्जी ऑल्सो कंट फ्लो टू द सराउंडिंग सो थर्मोफ्लास्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट क्लोज सिस्टम सो क्लोज सिस्टम में क्या होता है मैटर एक्सचेंज नहीं होता है विद द सराउंडिंग मैटर इज़ नॉट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग बट एनर्जी इज एक्सचेंज विद द सराउंडिंग जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग एक वेसल ले कॉन्डक्टिंग वेसल जैसे कि कोई स्टील का एक वेसल है और उसके ऊपर एक ढक्कन लगा दिया हम लोगों ने इसमें पानी डाल के इसमें पानी फिल करके ऊपर हम लोगों ने ढक्कन लगा दिया और इसको हम लोग हीट कर रहे हैं ठीक है तो अभी क्या होगा क्योंकि हम लोगों ने ऊपर से ढक्कन लगा दिया है इसलिए हीट होने के बाद जो वेपर्स क्रिएट होगा वो बाहर एस्केप नहीं कर सकता है इसलिए मैटर एक्सचेंज नहीं होगा विद द सराउंडिंग बट हम लोग जब पानी को हीट करेंगे तो ऑब्वियसली वो जो हीट है इन द वाटर मॉलिक्यूल्स वो बाहर निकल सकता है थ्रू द कॉन्डक्टिंग वॉल्स बिकॉज स्टील का जो वेसल है वो कॉन्डक्टिंग वॉल्स रहेगा उसका इसलिए एनर्जी कैन फ्लो टू द सराउंडिंग सो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं क्लोज सिस्टम जहाँ पे मैटर जो है वो बाहर एक्सचेंज नहीं हो सकता सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं हो सकता है लेकिन एनर्जी एक्सचेंज होगा विद द सराउंडिंग सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन closed system. Next we'll talk about open system. So open system में क्या होता है Matter और energy दोनों ही exchange हो सकता है with the surrounding. Both matter and energy both can exchange with the surrounding. जैसे कि अगर हम लोग इस वाले vessel का ढक्कन हटा दें ऐसे open एक vessel रखें और उसमें अगर पानी रखे और उसको अगर हम लोग हीट करें ऐसे तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो वेपर्स क्रिएट होगा वो बाहर एक्सचेंज हो सकते हैं विद द सराउंडिंग सो मैटर एक्सचेंज होगा विद द सराउंडिंग एज वेल एज एनर्जी भी फ्लो होगा विद द सराउंडिंग सो यहाँ पे इस सिस्टम में मैटर और एनर्जी दोनों ही एक्सचेंज होगा विद द सराउंडिंग एंड दिस सिस्टम इज़ नोन एज एन ओपन सिस्टम सो दिस वेयर सम ऑफ़ द बेसिक टर्म्स विच विल बी यूज इन थर्मोडिनमिक्स सो नाउ विल टॉक अबाउट स्टेट ऑफ ए सिस्टम सो वट इज़ स्टेट ऑफ ए सिस्टम जब भी एक सिस्टम का जो सब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ है मैक्रोस्कोपिक प्रोपर्टीज होता है जो सिस्टम्स का वो फिक्स रहता है तब हम लोग बोलते हैं कि ये जो सिस्टम है वो एक पर्टिकुलर स्टेट में है सो so, ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होता है सो so, ये जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ है दीज आर द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद ए मैक्रोस्कोपिक सिस्टम व्हाट इज मैक्रोस्कोपिक सिस्टम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम मीन्स अ सिस्टम कॉन्सिस्टिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो जो प्रॉपर्टीज़ है Associated with a macroscopic system, they are called the macroscopic properties, and these are pressure, volume, temperature, composition, that is, the number of moles, density, and all viscosity. सरफेस टेंशन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एटसेट्रा सो जो ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है ए सिस्टम जब इन माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का कुछ डेफिनेट वैल्यूज रहेगा कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज रहेगा फिक्स्ड वैल्यूज रहेगा तब हम लोग बोलेंगे कि वो सिस्टम जो है वो एक पर्टिकुलर स्टेट में है सो so, जब भी ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ का वैल्यूज चेंज होगा तब हम लोग बोलेंगे कि सिस्टम जो है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है ठीक है सो so, जब भी एक सिस्टम स्टेट वन से स्टेट टू में चेंज होगा तब उसका मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो है वो सब भी चेंज होगा सो एक सिस्टम जो है उसका स्टेट वो डिफाइंड होता है बाय इट्स मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज सो जो इनिशियल स्टेट का मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज रहेगा दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द फाइनल स्टेट सो विद द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ सिस्टम द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑल्सो चेंजेस इसलिए हम लोग इस मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को स्टेट वेरिएबल्स भी बोलते हैं सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट वेरिएबल्स आर प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम एंड मास और कॉम्पोजिशन जो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स से डिनोट करते हैं सो ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट वेरिएबल्स है और इनमें से प्रेशर और टेम्परेचर जो है दे आर कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरीएबल्स और जो वॉल्यूम है दैट इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा क्यों क्योंकि हम लोग को पता है फॉर ए फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस बाय दिस आइडियल गैस इक्वेशन जब मास फिक्स्ड रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस विल बी फिक्स्ड और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो है वो तो फिक्स रहता है पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू है उसका सो so, अगर हम लोग को प्रेशर और टेम्परेचर का वैल्यू पता हो तो हम लोग वॉल्यूम का वैल्यू निकाल सकते हैं फायदे इक्वेशन सो देअर फोर प्रेशर और टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वॉल्यूम वो, जो है उसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि वॉल्यूम का वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है ऑन द वैल्यूज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम नाउ विल डिस्कस अबाउट द क्लासीफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम सो जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम है वो मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है फर्स्ट इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड देन वी हैव द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम सो जब भी जो प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम है वो डिपेंड करेगा अपऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रजेंट इन दिस्टम देन दोज प्रॉपर्टीज़ विल बी कॉल्ड एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज सो जब भी कोई प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा कि सिस्टम में सब्सटेंस जो है वो कितना अमाउंट में है तब हम लोग उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या फिर उन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग तब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलेंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल, मास वॉल्यूम एंड एनर्जी दीज आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम क्योंकि ये तीन प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करता है कि एक सिस्टम में कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है सो दीज आर कॉल्ड द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम ऑन द अदर हैंड अगर कोई सिस्टम का कोई भी प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट होता है ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रजेंट इन दिस्टम दैन डैट प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी जैसे कि टेम्परेचर प्रेशर डेंसिटी बिस्कोसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सरफिस टेंशन स्पेसिफिक हैड ये सब प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड नहीं करता है कि सिस्टम में कितना अमाउंट ऑफ सबस्टेंस है फॉर एक्जाम्पल एक सिस्टम में एक के जी या फिर पाँच के जी या फिर पाँच सौ के जी कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसके ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करेगा कि उस सब्सटेंस का टेम्परेचर कितना होगा या फिर इसका प्रेशर कितना होगा या फिर उसका डेंसिटी कितना होगा एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा कोई भी एक सब्सटेंस का विस्कोसिटी का एक पर्टिकुलर वैल्यू रहता है डेंसिटी का भी एक पर्टिकुलर वैल्यू रहता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सरफेस टेंशन स्पेसिफिक स्पेसिफिकेट हर एक प्रॉपर्टी का एक पर्टिकुलर वैल्यू रहता है हम लोग को पता है वो कभी भी डिपेंड नहीं करता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना प्रेजेंट है फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एक लीटर पानी ले तो उसका डेंसिटी जो है तब भी वन ग्राम पर सी रहेगा और अगर हम लोग 500 लीटर पानी लें तब भी उसका डेंसिटी वन ग्राम पर सी ही रहेगा वो डिपेंड नहीं करेगा कि सिस्टम में कितना लीटर्स ऑफ कितना वॉल्यूम ऑफ पानी है डेंसिटी का वैल्यू हमेशा फिक्स रहता है सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू भी फिक्स रहेगा सरफेस टेंशन स्पेसिफिक सब का वैल्यू फिक्स रहता है वो सिस्टम में हम लोगों ने कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिया है उसके ऊपर कभी डिपेंड नहीं करेगा सो दीज आर द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर अगर हम लोग एक लीटर पानी लें एट ए पर्टिकुलर कंडीशन और पाँच सौ लीटर पानी ले एट द सेम कंडीशन तब उसका टेम्परेचर भी सेम रहेगा अनलेस एन अनटिल हम लोग एक्सटर्नली इसको हीट करें या फिर इसको फ्रीज करें उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा सो टेम्परेचर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज सिमिलरली जो डेंसिटी है डेंसिटी वी नो डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम नाउ मास जो है दैट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वॉल्यूम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी सो मास बाय वॉल्यूम दैट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय अनादर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी गिव्स अस एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस इंटेंसिव प्रॉपर्टीज सो जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है दैट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम और द मास ऑफ द सिस्टम or we can say that depends upon the number of moles of substance present in the system and also on any two of the three important state variables that is pressure volume and temperature in tino variable say koi bhi do variable ke depend karega in addition to the number of moles of the substance present in the system अगर हम लोग n को फिक्सड रखें दैट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस दैट इज़ स्मॉल n इसको फिक्स्ड रखें देन जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करेगा ऑन द टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दैट इज प्रेशर एंड टेम्परेचर क्योंकि एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस की फॉर ए पर्टिकुलर फिक्स्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस प्रेशर और टेम्परेचर का वैल्यू अगर हम लोग को पता रहे देन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वी दैट इज वॉल्यूम बाई आइडियल गैस इक्वेशन सो दिस वेयर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज सो नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट थार्मोडिनमिक प्रोसेसेस सो फर्स्ट ऑफ ऑल वाट आर प्रोसेसेस सो प्रोसेसेस का मतलब होता है जब भी हम लोग कोई एक सिस्टम को एक पर्टिकुलर स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करते हैं सो दिस ऑपरेशन ऑफ चेंजिंग अ सिस्टम फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इज़ कॉल्ड अ प्रोसेस सो जब भी हम लोग कोई प्रोसेस या फिर कोई ऑपरेशन करते हैं ऑन अ सिस्टम टू चेंज इट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट दैट इज़ एक्म्पनीड बाय चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम सो एनर्जी में चेंज आता है जब भी हम लोग सिस्टम का स्टेट चेंज करते हैं सो डिपेंडिंग अपॉन दैट देयर आर डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोसेसेस, सो वन बाय वन वी विल डिस्कस देम ऑल फर्स्ट इज द आइसोथर्मल प्रोसेस सो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है जब भी हम लोग एक सिस्टम को चेंज करते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट टू अनदर स्टेट सो थ्रू आउट दिस होल प्रोसेस टेम्परेचर का वैल्यू जो है वो फिक्सड रहता है या फिर कांस्टेंट रहता है सो सच टाइप ऑफ प्रोसेसेस आर नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस सो इन आइसोथर्मल प्रोसेस देर इज़ नो चेंज इन टेम्परेचर सो डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो इन आइसोथर्मल प्रोसेस नेक्स्ट वी हैव द एडाइबिटिक प्रोसेस सो इन एडाइबिटिक प्रोसेस जब भी हम लोग एक सिस्टम को चेंज करते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट सो इन दिस ऑपरेशन थ्रू आउट द प्रोसेस कोई भी हीट सिस्टम से बाहर नहीं निकलता है या फिर सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता है फ्रॉम द सराउंडिंग सो द हीट ऑफ द सिस्टम डी मीन्स कॉन्स्टेंट कोई भी हीट बाहर नहीं जाता फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग या फिर कोई भी हीट अंदर नहीं आता है फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम So, such process is known as adiabatic process. So, in adiabatic process, there is no change of heat in the system throughout the process. So, delta Q is equal to 0. Next, we have isobaric process. So, in isobaric process, when we have a system ko change karte from one state to another state, so throughout this process, है, the pressure? Hai, वो कॉन्स्टेंट रहता है या फिर फिक्स्ड रहता है प्रेशर का वैल्यू हम लोग फिक्स्ड रखते हैं इन ईच ऑफ द स्टेट ऑफ द सिस्टम थ्रू आउट द प्रोसेस सो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज एसोबिक प्रोसेस और इसमें प्रेशर का कोई चेंज नहीं होता है सो डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो इन एसोबारिक प्रोसेस लास्टली वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस विच आर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस सो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है हम लोग एक सिस्टम को चेंज करते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनादर स्टेट बाय ए वेरी इनफाइनाइट सिमल चेंज बहुत कम अमाउंट में या फिर बहुत छोटा अमाउंट में चेंज करते हैं हम लोग थर्मोडिनामिक प्रॉपर्टीज जो है वो सब बहुत छोटा अमाउंट में हम लोग चेंज करते हैं जब भी हम लोग एक सिस्टम को चेंज करते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट सो क्या होता है अगर हम लोग ये फॉरवर्ड जो प्रोसेस है इसको कैरी आउट करें एंड वी टेक द सिस्टम फ्रॉम अ स्टेट ए टू स्टेट बी तब हम लोग फिर से स्टेट बी से स्टेट ए में लेके आ सकते हैं बाय रिवर्सिंग द प्रोसेस तब क्या होगा जो थार्मोडिनिक प्रॉपर्टीज़ है उनमें ज्यादा डिफरेंसेस क्रिएट नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने बहुत छोटा अमाउंट ऑफ चेंज लाया है इन द सिस्टम सो हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जा सकते हैं फिर से उस स्टेट से हम लोग वापस आ सकते हैं इन द इनिशियल स्टेट बाय कॉजिंग ए वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ चेंज इन द दर्मोडोनोमिक प्रॉपर्टीज सो सच प्रोसेसेस आर नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेसेस रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है ये जो फॉरवर्ड प्रोसेस हम लोगों ने कैरी आउट किया है उसका जो ड्राइविंग फोर्स है दैट इज ओनली वेरी इनफाइनाइट सिमेली ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स मतलब ये जो पीछे से हम लोग लेके आ रहे हैं फ्रॉम द फाइनल स्टेट टू द इनिशियल स्टेट सो इसका जो फोर्स है दैट इज कॉल्ड द अपोजिंग फोर्स और फॉरवर्ड डिरेक्शन में जो लेके जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड द ड्राइविंग फोर्स सो ड्राइविंग फोर्स जो है वो बहुत कम अमाउंट में लार्जर होता है देन द अपोजिंग फोर्स इसलिए हम लोग इसलिए हम लोग फॉरवर्ड प्रोसेस भी आउट कर सकते हैं एंड सिमिलरली हम लोग बैकवर्ड प्रोसेस कैरी आउट करके फाइनल स्टेट से अल्टीमेटली इनिशियल स्टेट में लेके आ सकते हैं सिस्टम को तो तब कोई थर्मोडिनामिक प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा एंड सच प्रोसेस आर नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस लेकिन अगर हम लोग एक सिस्टम को चेंज करें फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट और जो चेंज है वो बहुत बड़ा हो दैट इज द थर्मोडिनामिक प्रॉपर्टीज आर चेंज बाई ए वेरी लार्ज अमाउंट तब क्या होगा जो हम लोगों ने इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में चेंज किया है हम लोग उसको रिवर्स करके फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट में फिर से लेके नहीं आ सकते तब थर्मोडिनामिक प्रॉपर्टीज में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाएगा हम लोग रिगेन नहीं कर पाएंगे द इनिशियल स्टेट सो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज ई प्रोसेस मतलब हम लोग इसको रिवर्स करके नहीं ला सकते रिगेन नहीं कर सकते द इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम सच टाइप ऑफ प्रोसेस आर नोन एज ई रिवर्सबल प्रोसेस सो जो रिवर्सिबल प्रोसेसेस है दे आर कैरिड आउट इन्फाइनाइट सिमली स्लोली बहुत छोटा अमाउंट में हम लोग चेंजेस लाते हैं इसलिए बहुत धीरे धीरे हम लोग चेंजेस लाते हैं ताकि थार्मोडिनमिक प्रॉपर्टीज जो है वो ज़्यादा अमाउंट में चेंज ना हो और इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो इनफाइनाइट स्लोली चेंज नहीं होता है वो बहुत जल्दी चेंज होता है इसलिए थर्मोडिनामिक प्रॉपर्टीज में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ चेंजेस आ जाता है सो दीज वेयर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द बेसिक पार्ट ऑफ थर्मोडिनामिक्स जो हम लोग को अच्छे से समझना है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द सब्सिक्वेंट टॉपिक्स ऑफ थर्मोडिनामिक्स ये फाउंडेशन है थर्मोडिनामिक्स का और ये सब कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से हम लोग को समझना पड़ेगा ताकि हम लोग जो एडवांस टॉपिक है वो क्लियरली समझ पाए सो so, आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप लोग को अगर इस वीडियो का कॉन्टेंट्स अच्छा लगे देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो एमोंग योर फ्रेंड्स एंड स्टे ट्यून्ड इन दिस चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोग का सजेशन कि मैं इस चैनल में और क्या कॉन्टेंट्स लाओ और कौन सा टॉपिक्स मैं पढ़ाऊँ इस चैनल में ऑल ऑफ़ योर सजेशंस एंड कॉमेंट्स आर मोस्ट वेलकम आप लोग का कोई डाउट्स भी आप लोग क्लेरिफाई कर सकते हैं इन द कॉमेंट सेक्शन आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एड्रेस दैम एंड फॉर मोर सच वीडियोज एंड रेगुलर कॉन्टेंट्स टेट यून दिन दिस चैनल एंड फॉर मोर इंफॉर्मेशन एंड रेगुलर अपडेट्स आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं इन फेसबुक एंड टेलीग्राम थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग